हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास उसको बोलते हैं बोन सो so आज की क्लास में हम बोन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं तो बच्चों पहला पॉइंट देखो स्टडी ऑफ बोन इज कोल्ड एज ऑस्टियोलॉजी बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोला

इनेमल तो क्या होता है हमारे टीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है ना बच्चों आउटर मोस्ट लोइ कवरिंग उसको इनेमल बोला जाता है सो इट इज नॉट ए ग्रुप ऑफ सेल्स बट इट इज फॉर्म बाय सेक्शन ऑफ अमीलो पॉइंट थे कुछ अबाउट दी बोन्स एंड वन एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट दी इनेमल अब देखो बच्चों हमारे पास एनसीआर बोन का आप लोगों को कुछ ऐसा डायग्राम बताती है ये डायग्राम अभी हम डिटेल के अंदर समझने वाले हैं

ओनली वन ओस्टिओसा इन वन लेक्यूना एक लेक्यूना के अंदर एक ही सेल मिलने वाला है आपको ये हमारे पास सेल हो गया एक एक लेक्यूना के अंदर बट कार्टिलेज में एक लेक्यूना के अंदर कितने बच्चों वन टू फोर सेल्स वर प्रेजेंट नेक्स्ट पॉइंट बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल्स आर ओस्टियो क्लास्ट कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले कोंड्रियोक्लास्ट बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैट्रिक्स हार्ड एंड नॉन प्लायबल हार्ड होती है नॉन प्लायबल नॉन प्लायबल मींस इसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता किया जा सकता कार्टिलेज की मैट्रिक्स कैसी थी प्लायबल बट इसकी कैसी है नॉन प्लायबल इट हैज टू पार्ट्स पहला पार्ट होता है बच्चों इनऑर्गेनिक पार्ट तो 62 60 6 सो so, पहला पार्ट होता है बच्चों इनऑर्गेनिक पार्ट 65 फाइव टू सिक्सेंट इज इनऑर्गेनिक पार्ट कंसिस्ट कैल्शियम अबाउट 80 मैक्सिमम इन अमाउंट यही प्रेजेंट होता है कैल्शियम 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 ना कि कार्बोनेट कार्बोनेट कितना होता है 10 परसेंट तो यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो ध्यान रखना मैग्नीशियम फोस्फेट टेन परसेंट वेरी लेस इन अमाउंट बट प्रेजेंट होते हैं है, नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट

सेंटर वाला जो पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है उसको बोला जाता है डायाफाइसिस सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डायफाइसिस डायाफाइसिस ठीक है बच्चों एंड बिटवीन दीफाइसिस एंड डायाफाइसिस दिस रीजन इज कॉल्ड एज मेटाफाइसिस इस रीजन को क्या बोलेंगे मेटाफाइसिस बोलेंगे तो एपिफाइसिस ऑन बोथ दी एंड्स डायफाइसिस इन द मिडिल एंड इन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस मेटाफाइसिस इज प्रेजेंट अब देखो बच्चों जो हमारे पास मेटाफाइस सॉरी जो हमारे पास एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है इसके अंदर क्या होता है बोन्स की कुछ इरेगुलर प्लेट्स प्रेजेंट होती है तो इस इन इरेगुलर प्लेट्स को बोला जाता क्या बोला गया ट्रैबेक्यूले बोला गया और इस इरेग्यूलर प्लेट होने के कारण ही बोन के इस पार्ट को एपीफाइस को क्या बोला जाता है बोन बोला जाता है और इस स्पॉन्जी बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है रेड बोन क्या प्रेजेंट होता है रेड बोन देन इन मेटाफाइसिस वन लाइन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज एपीफाइजियल लाइन इसको एपीफाइज लाइन बोला जाता है डायफाइसिस में देखो बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना बच्चे इस आउटर मोस्ट कवरिंग को बोला जाता है पेरी ओस्टियम यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आप लोगों के लिए दिस आउटर मोस्ट कवरिंग ये बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग है बच्चों इस आउटर मोस्ट कवरिंग को बोला जाता है पेरी ओस्टियम ओस्टियम और अंदर की जो कवरिंग होती है इनर मोस्ट यहां पर तो बोन मेरो इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज

मैट्रिक्स के लिए टर्म यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है लेमेला सो so ये क्या होता है बेसिकली मैट्रिक्स अभी आप आगे, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा सो इट कंसिस्ट ऑफ लैमेला तो ये दिखा है मैं ट्रेबिकुलर बिटवीन दी ट्रेबिक्युले आर प्रेजेंट स्पेस फिल्ड अप विद दी रेड बोन मैरो तो इनके बीच में बच्चों क्या प्रेजेंट होने वाली है रेड बोन मैरो प्रेजेंट होने वाली है इट इज कंपोज ऑफ माइलॉइड टिश्यू विच प्रोड्यूस ब्लडिस एक्ट एज एमोपाइटिकेजेंट होता है बच्चों यहाँ पर माइलॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है जो ब्लड बनाता है सो so एपीफाइसिस कैसे एक्ट करता है, organ जहां पर blood बनता है. तो ब्लड हमारा इस वाले पार्ट में बनता है जिसको रेड बोन मैरो बोला जाता है नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चो डायाफाइसिस मिडिल पार्ट और शार्फ्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज डायाफाइसिस बना होता है इन दिस रीजन होलो कैविटी इज प्रेजेंट कोल्ड बोन मैरोलो बोन मैरोलो बोन मैरोन ऑफ येलो बोन मैरोज ऑफ फैट यहाँ पर फैट स्टोर होगा नेक्स्ट वेटाफाइसिस बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस सो इट इज फॉर्म लिटिल पार्ट बिटवीन एंड एंडफाइस इन दिस रीजन एपिफाइजियल प्लेट इज प्रेजेंट बताया था ना एक प्लेट होती है दे डिड टू फॉर्म ओस्टियोसाइट ओस्टियोसाइट बनाते हैं दे ऑल्सो सिंथेसाइज मैट्रिक्स ऑफ बोन सो एपीफाइजियल प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ बोन सो इलोंगेशन ऑफ बोन यही से होने वाला है फ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन दिस प्लेट इज डिस्ट्रॉयड जब एक बार हो गया तो प्लेट ये जो थी एप्रीफाइजियल प्लेट ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी सो इन कंप्लीटली डेवलप्ड बोन ओनली टू रीजन आर फाउंड वाइल इन डेवलपिंग बोन थ्री रीजन आर फाउंड नेक्स्ट पार्ट वी हैव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमलियन बोन अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोलियन बोन को डिस्कस करें तो इट हैज फॉलोइंग मेजर पार्ट्स या सबसे पहला होता है पार्ट होते हैं ठीक है तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं एक्सटर्नल हमने अभी देख लिया था इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आओ पहले कुछ डायग्राम्स को स्टडी कर लेते हैं बच्चों तो अगर ये एक बोन थी बोन का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया और आप लोगों को मैग्निफाई करके दिखाया तो सबसे पहले देखो बच्चों बोन के अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जिन कैनाल को बोला जाता है, कैनाल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है उसको बोला लैमेला सो so, मैट्रिक्स ब्लैक कलर में सर्कुलर फॉर्म में बोला उसको क्या बोला लैमेला दो मैट्रिक्स की लेयर के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोसाइट बोन के मैच्योर सेल जो कैविटी के अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट है सो so, विद इज बिटवीन दी लैमेला नेक्स्ट पॉइंट दो हैवरशन कैनाल को कनेक्ट करने वाली कैनाल को बोला जाता है वॉकमेन कैनाल सो so, यहां पर ये दो हैशियन कैनाल रिप्रेजेंट किए गए हैं और इनको ये कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है वॉकमेन कैनाल चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए बच्चों आप लोग हमारे पास जो प्रेजेंट है ये बोन का सेल है एक सो ओस्टियोसाइट ओस्टियोसाइट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इस सेल से बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हैं जो आपको दिख रहे होंगे इन प्रोसेसेस को बोला था प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई और वेरी थिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इनके अंदर तो बोला प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अब ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं कैविटी के अंदर जिसको बोला लेक्यूना तो इनके प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को फिट करने के लिए उनको बोला केनालिक्यूली जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसिस प्रेजेंट है अब ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग बोन्स का बच्चों सो बोन का ये वाला पार्ट हुआ अगर ये हमारे पास बोन प्रेजेंट थी मैंने ऐसे कट किया सेंटर से तो ये वाला पार्ट जो है सेंटर का किधर होगा टूवर्ड बोन मैरो तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बोन मैरो प्रेजेंट होगा और ये कौन सा पार्ट पार्ट होने वाला है दिस इज आउटर पार्ट क्लियर यहाँ पर प्रेजेंट है बोन मैरो और वहां पर क्या प्रेजेंट है आउटर पार्ट प्रेजेंट है तो बच्चों आउटर पार्ट पर देखो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा एक व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ठीक है प्लस इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं टू लेयर लेयर दो लेयर में प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सो व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्लस टू लेयर ऑफ लेस्टिस्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं पेरी ओस्टियम सिमिलरली बिल्कुल अंदर जहां पर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं वहां पर अंदर की साइड लेयर है किसकी रेटिकुलर फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्लस टू लेयर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एंड ओस्टियम बनाते हैं सेंटर में देखो बच्चों आप लोगों को ये कैनाल दिख रही है जिसको बोला गया हैशन कैनाल इसके चारों तरफ आपको दिख रहा है मैट्रिक्स मैट्रिक्स सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है जिसको बोला गया लैमेला लैमेला के बीच में क्या प्रेजेंट है लेक्यूना लेक्यूना के अंदर दिख रही है कैनालिक्यूली जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे सेल्स ओस्टियो साइट यहां पर ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सो हैवर्सन कैनाल लैमेला लेक्यूना कैनालिकुली इन सबको मिलाकर क्या बनता है सिस्टम बनता है नेक्स्ट पॉइंट ये जो लैमेला प्रेजेंट है हैवर्शन के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में है तो क्या बोला हैवर्शन लैमेला दो हैवर्शन सिस्टम दो हैवर्शन सिस्टम के बीच में देखो ये वाली जो लैमेला है ये प्रॉपरली सर्कुलर नहीं है तो इसको क्या बोला गया इंटरस्टिशियल लैमेला क्या बोला इंटरस्टिशियल लैमेला और जो बाहर सारे ओस्टियोन को या सारे हैवर्शन सिस्टम को कवर करने वाली जो है उसको क्या बोलते हैं Lamella, उसको बोलाटिकली so बच्चों इन स्ट्रक्चर को हम वन बाय देखते हैं सो पेरियो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम इट कंसिस्ट ऑफ टू लेस आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू इन विच ब्लड सर्कुलशन इज प्रेजेंट इसमें ब्लड सर्कुलशन प्रेजेंट होता है इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ऑस्टिस्ट क्या प्रेजेंट होगा सिंगल लेयर ऑफ ऑस्टिब्लास्ट प्रेजेंट होता है लेयर सिक्रीट करती है ये बच्चे जो ओस्टिओब्लास्ट की लेयर है सिंगल भी हो सकते है डबल भी हो सकते मेनली तो डबल होती है बट सिंगल भी हो सकती है नेक्स्ट देखो आप लोग मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोनाट सेकेंड लेयर है मैट्रिक्स सो इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों की बनी होती है इन दी मैट्रिक्स ऑफ बोन टू टाइप ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट हैवर्शन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल सो हैवर्शन कैनाल क्या है लॉन्गिट्यूडनल डायनल कैनाल्स

ये ओस्टियोसाइट बनाते डिवाइड होकर प्लस मैट्रिक्स बनाते हैं किसका बोन का सो ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होती है मतलब आउटसाइड से भी ग्रोथ हो रही है और अंदर से भी ग्रोथ हो रही तो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है पेरिफ्री एंड सेंट्रल दोनों रीजन से होगी क्यों क्योंकि दोनों रीजन पर ही क्या प्रेजेंट है ओस्टियोब्लास्ट वाइल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल कार्टिलेज की ग्रोथ कैसी होती है बच्चों यूनिडायरेक्शनल होती है नेक्स्ट पॉइंट वी सेंट्रल रीजन होलो कैविटी अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है बोन मैरो अंदर होता है येलो बोन इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फैट एंड इट्स फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ फैट एंड स्टोरेज ऑफ फैट ये दोनों फंक्शन होते हैं नेक्स्ट पॉइंट वी बोन सो ऑन दी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और लोकेशन ऑफ ओसिफिकेशन बोन टाइप कहां पर डेवलपमेंट हुआ है किस लोकेशन पर हुआ है प्रोसेस क्या है ओसिफिकेशन की उसके बेसिस पर बोन के टाइप्स देखो बच्चों पहला है कार्टिलेजिनस बोन रिप्लेसिंग बोन और एंडोपोन्ड्रियल बोन सो ये कौन से बोन होते हैं मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर मोस्टली हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कन्वर्ट होता है बोन्स के अंदर तो ये वही बोन्स होती है सो दीज बोन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कार्टिलेज और दे आर फॉर्मड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज बोन्स टू टाइप ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड दो टाइप के सेल चाहिए बच्चे कौन से होंगे सबसे पहला तो जो होगा कार्टिलेज जो प्रेजेंट है उसको वहां से रिमूव करें दूसरे सेल जो वहां पर बोन्स के कंपोनेंट को डिपॉजिट करें तो पहला सेल है कोंड्रोब्लास्ट

उसके अंदर अगर हमारे पास क्या हो जाता है बोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेम्रेनस या फिर डरमल या फिर इन्वेस्टिंग एग्जाम्पल प्यूबिस बोन स्टर्नम क्लेविकल स्केप्यूला फ्लैट बोन्स ऑफ दल

अगर आप बोन को एच के अंदर तीन दिन तक क्या करते हो बच्चे डुबा के रखोगे तो सारा जो मिनरल पार्ट था वो क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट अगर मिनरल डिजोल्व हो गया तो बोन कैसी होगी बच्चों रबर जैसी सॉफ्ट हो जाएगी सो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बोन उसको बोला डी कैल्सिफाइड नेक्स्ट है ड्राइड बोन अगर आप क्या करते हो बच्चे बोन को बहुत ज्यादा टाइम तक धूप के अंदर रखोगे तो उसका सारा वॉटर इवेपोरेट कर जाएगा ऑर्गेनिक पार्ट कर जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ पार्ट उसको बोलेंगे ड्राइड बोन। और एम्प्टी बोन कैविटी इज प्रेजेंट जब सब ही इवेपोरेट कर गया वाटर का पार्ट तो एमटीलैक्यूना और एमटी क्या प्रेजेंट होगा वहां पर बोन मैरो कैविटी शेप ऑफ दी बोन रिमेंस अनचेंज शेप तो क्योंकि मिंडल्स है ना भाई तो शेप अनचेंज रहने वाली है इफ ए बोन इज बर्न और कैप्ट इनटू वेरी हाई टेंपरेचर देन कंप्लीट ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ दी बोन इज बर्न एंड मिनरल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स रिमेंस एज़ सच इन द फॉर्म ऑफ ऐश कॉल्ड ड्राइड बोन अगर इस पार्ट को आप हाई टेम्परेचर पर रखोगे इस ड्राइड बोन को तो क्या होगा बर्न कर जाएगी और जो एश बचेगी उसके अंदर सिर्फ क्या होगा इनऑर्गेनिक पार्ट तो ड्राइड बोन ये हुआ हमारे पास नेक्स्ट भी है ब्राइट बोन ब्राइट बोन क्या होगा बच्चों इफ बोन इज कैप्ड इनटू टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप रखते हो किसको बोन को देन कंप्लीट अटैच्ड मसल फाइबर आर डिसॉल्व जितने भी मसल फाइबर अटैच होते हैं वो डिसॉल्व कर जाएंगे किसके अंदर इन के बोन बिकम्स क्लियर एंड ब्राइट बिल्कुल चमकने लगेगी सच बोन इज कोल्डेंगाम्पल बोन्स ऑफ लेबोरेटरीटरी में आप देखते हो ना बोन आपको बिल्कुल व्हाइट दिखते हैं। क्यों क्योंकि उसको के ओ एच से ट्रीट किया जाता है नेक्स्ट वी है स्पॉन्जी बोन्स बोन्स इन विच है आपने देखा था ना भाई एंड जहां पर ट्रेबिक्यूले प्रेजेंट था मीनिज में कौन सी बोन थी स्पॉन्जी बोन

बीच में प्रेजेंट तो मतलब स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होगी तो दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या बोला डिप्लोइक या एग्जांपल एग्जाम्पल फ्लैट ऑफ बोन ऑफ स्कल ऑल फ्लैट बोन ऑफ स्कल कैसी होती है डिप्लोइक या हेट्रोटाइपिक बोन होती है दैट्स इट यहां पर कंप्लीट हुआ स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स थैंक यू